मैं एक कहानी सुनते हैं, मैं तुम्हें एक मछलियों की कहानी सुनाती हूँ। एक घने जंगल में अंदर बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, जिनमें से तीन मछलियां एक दूसरे की पक्की दोस्त थी। पक्की सहेलियां जानते हो ना? हाँ, इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से दो समझदार थी, पहले संकट आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। जैसे किसी पे कोई परेशानी आती है ना, तो अपना बचाव कर लेती है ना वैसे, और दूसरी संकट आने पर उसकी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। जैसे मेरा जो भी होगा अपने भाग्य पर छोड़ देना, तो वो तीसरी भाग्य पर भरोसा करती थी। वैसे ही जब तीसरी मछली कहती है कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में होगा तो हम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसे ही एक दिन क्या हुआ कि एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। उसने देखा कि तालाब में बहुत सारी मछलियां भरी पड़ी है। उसने तुरंत अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथियों ने अगली सुबह यहाँ आने और मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। अब उनमें से क्या किया, जैसे ही मछुआरों ने पकड़ने का फैसला किया तो सब मछलियां डर गई। लेकिन तीसरी मछली ने क्या बोला कि मैंने तो अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया, जो भाग्य में लिखा होगा तो पर मरेंगे और भाग्य में लिखा होगा तो बचेंगे। बाकी दोनों मछलियां थोड़ी सी सहमी और डरी हुई थी, लेकिन मछली ने मछुआरे और उनके साथियों के बीच की बात सुन ली थी। एक मछली ने उनकी बात सुन ली थी, है ना। उसने तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा कर लिया। कितनी समझदारी की बात की उसने, और सारी बात उसे बता दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़ ले जाए, उसने पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तभी तीसरे नंबर की मछली बोली, अगर वो कल नहीं आए तो यह हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं? कभी अपने ऊपर संकट आए तो हम अपना घर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। ऐसे मछली भी अपना घर कैसे छोड़ सकती है? नहीं ना। जैसे ये आगे देखो क्या होता है, अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी हो मारे जाएंगे। ये तीसरी मछली ने कहा था ना, तो उसने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया, और नहीं लिखा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वहीं पर ही रुक गई, जबकि उनको अपने अपने जगह चली जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं गई। तीसरे नंबर की मछली की जो उन्होंने बात मानी, उनका नतीजा देखते आगे क्या होता है। अन्य दो मछली तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थी, इसीलिए उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे और उनके साथियों ने अपना जाल डाला, जो मछलियां रह गई वे सभी की सभी पकड़ी गई। जो मछलियां भाग गई थी उन सभी की जान बच गई, और जो तालाब में रुकी हुई थी वो मछुआरों द्वारा पकड़ ली गई, और उन्होंने उन सबको एक टोकरे में भरकर डाल दिया, जहां सारे की सारी मछलियां तड़प तड़प के मर गई। तो इसका